लेट्स कनेक्ट। महिलाओं का महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम, अंतरिक्ष से खेलों की दुनिया तक, दार्शनिकता से फिल्मी चमक दमक तक, मानव सेवा से मानव रक्षा तक, खास से आम महिला तक, और भी बहुत कुछ, यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, हर दोपहर 12:10 से 1 बजे तक। YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल। इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से। दोपहर के 12:11:05 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। वो प्रोग्राम जिसका इंतजार आप करते हैं हर दोपहर 12:10 से। इस प्रोग्राम को आप YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके साथ लेकर आज मैं हूं नईम अख्तर, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमालया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी में इंग्लिश की PGT मिनी लाल जी। मिनी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और यकीनन हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आज एक स्कूल टीचर हमारे साथ क्यों है, तो हम बता ही देते हैं अपने श्रोताओं को कि देखिए कार्यक्रम महिला संबंधी कार्यक्रम है और महिलाओं की जिंदगी जो है सबसे ज्यादा उनके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, और उनके बच्चों के बस एग्जाम्स शुरू होने को ही हैं, तो ये परीक्षाएं जो हैं ये सिर्फ परीक्षाएं बच्चों की नहीं होती हैं, उनकी माओं की भी होती हैं, उनके पिताओं की भी होती हैं, उनके अध्यापकों की भी होती हैं। तो ये जो परीक्षा का एक माहौल होता है ये इन दिनों में मतलब जनवरी से लेकर और मार्च तक ऐसा रहता है कि पूरे देश में एक तरह से और कोई विषय ही नहीं होता बात करने का, सिर्फ परीक्षाएं ही होती हैं, है ना। और इसीलिए शायद परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम है जिसे हमारे यहाँ पिछले 3 साल से चलाया जा रहा है, 2017, 2018, 2019 के बाद अब ये हमारा 2019-20 का जो ये सत्र है इसमें भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है ये कल यानी कि 20 जनवरी को होने वाला है। अभी तक फिलहाल यूं हुआ करता था कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री करीब 15 छात्रों के सवालों के जवाब दिया करते थे, लेकिन इस बार मिनी जी आप भी जानती हैं, हमसे ज्यादा बल्कि आप जानती हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं, कि इस बार तकरीबन 60 छात्रों को PM ये सवाल करने का मौका देने वाले हैं। तो जब प्रधानमंत्री ये कदम उठा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के साथ इस चीज को लेकर के चलें कि उनके लिए भी परीक्षाएं जो हैं वो आसान हो जाएं। और परीक्षा पे चर्चा जब कल प्रधानमंत्री से होगी तब होगी, हम आज से ही शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल नईम अख्तर जी, और प्रारंभ में मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी अपने स्कूल हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी की तरफ से। निसंदेह बोर्ड की परीक्षाएं एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है विद्यार्थी जीवन का जी। और पिछले तकरीबन एक दशक से सभी ने नोट किया है कि परीक्षा और परीक्षा से जुड़े स्ट्रेस और चिंता को लेकर समाज में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जी। और शायद यही कारण है कि आज हम इसे इतने जोश के साथ बच्चों के लिए इस प्रोग्राम में आए हैं, इस चीज को एड्रेस करने, इस चीज को बताने कि परीक्षा परीक्षा है और ना कि जिंदगी का इम्तिहान। एक्चुअली ये मतलब सिर्फ आपने जो पढ़ा है पूरे साल अपनी किताबों में उसकी परीक्षा है, न कि ये आपकी जिंदगी यहाँ पर शुरू होकर यहीं पे खत्म होती है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक बात बड़ी संजीदगी से बताना चाहूंगी कि हमारी जो प्रधानाचार्य जी हैं स्कूल में वो अक्सर कहा करती हैं प्रधानमंत्री जी का अनुकरण करते हुए कि जो परीक्षाएं हैं वो एक फेस्टिवल है। राइट। और वो शायद बहुत सही कहते हैं नईम जी कि इसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं एक उत्सव की तरह, और जैसे उत्सव में हमें मिठाइयां खाने को मिलती हैं उसी तरीके से परीक्षा परिणाम हमारे लिए मिष्ठान की तरह ही हैं। बिल्कुल सही। एक शिक्षिका के तौर पे लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि परीक्षा और इससे जुड़ी हुई चिंताएं असच्चाई बन चुके हैं, और इसको बखूबी डील करना ही हमारी ड्यूटी है। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मेक और ब्रेक,
और डू और डाई अप्रोच को चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। असल में मतलब बात यहीं पे आके ठहर जाती है कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, सबसे आगे बढ़ना है, तो डू और डाई वाली सिचुएशन आ ही जाती है। कभी बच्चों पर ये स्ट्रेस रहता है, कभी टीचर्स और कभी पेरेंट्स इस स्ट्रेस को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। बिल्कुल। एंड नईम जी, मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रेस है, हालांकि मैं एक शिक्षिका हूं और एक माँ भी हूं, जी जी, तो जब माँ होने के नाते मैंने ये भी देखा है कि जब मेरी खुद की डॉटर क्लास 12th में थी तो मैं भी खुद बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। अच्छा। दैट इज नॉट एट ऑल अ वेरी हेल्दी ट्रेंड टू कैरी। एंड आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगी अभिभावकों को स्पेशली कि जब हमारा बच्चा क्लास 12th या 10th दे रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं नईम जी जिंदगी के उस पड़ाव पे होते हैं जब हमारी 45 से 50 साल की अवस्था शुरू हो रही होती है और हम खुद तो स्ट्रेस्ड होते हैं। और होता क्या है कि बहुत बार हम किसी बहुत बड़े डिजीज के चक्कर में फंस जाते हैं। एंड व्हाई इट हैपेंस ड्यू टू दैट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को आज कम करने की बहुत जरूरत है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑल दिस पेरेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग, तो उनका काम है कि वो जरा ठहर जाएं, जरा थम जाएं और अपने बच्चों को बड़े प्यार से इस मोड़ से निकाल ले जाएं। जी जी। क्योंकि जिंदगी के इम्तिहान बहुत होते हैं, आगे होते हैं, और ये परीक्षा तो बस एक ऐसा मकाम, एक स्टेशन है, बहुत छोटा सा, वो आता है जिंदगी में और चला जाता है। मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आप बहुत कुछ करते हैं, जो लोग नहीं पढ़ लिख पाते हैं वो भी बहुत कुछ करके दिखा देते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो वो एडिशनल है। Absolutely. वो एडिशनल है, उसको एडिशनल ही रखिए, उसको मेन मत बनाइए जिंदगी का। बिल्कुल। और नईम जी, आप जरूर इस बात से वाकिफ मीन्स आप जरूर मानती होंगी इस बात को कि रूट्स ऑफ एजुकेशन जी आर बिटर बट दी फ्रूट्स आर ऑलवेज वेरी स्वीटर। राइट। वेरी की शिक्षा की जड़ें काफी काफी कड़वी प्रतीत होती हैं, मगर उसका जो परिणाम होता है जो है वो बहुत मीठा, वो बहुत ही मीठा होता है। और मीठा इसलिए होता है कि वो जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें अर्जित करना है अंक प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही। बल्कि हमें ज्ञान को ज्ञान समझना चाहिए। एक ज्ञान से भरा व्यक्ति हमेशा बुद्धिमत्ता से भरा होता है। बिल्कुल। वो कभी अकेला नहीं होता। बिल्कुल सही। वो हमेशा अपने सोच और विचार में लीन होता है एंड वही उसको सच्चा आनंद देते हैं जीवन में। यहाँ आपके कहने से, ये सारी बातों से मुझे एक चीज याद आ रही है कि संत कबीर दास, उन्होंने कभी कोई एग्जाम्स नहीं दिए थे, कभी किसी परीक्षा में नहीं बैठे थे, लेकिन कितना ज्ञान था उनके पास कि उनके ज्ञान को आज सदियों बाद भी हम पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट अगर कर लें तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पा रहे हैं। तो मकसद यही है कि एग्जाम्स में बैठ करके अगर आपने मार्क्स गेन किए हैं, मार्क्स अर्न किए हैं, तो वो अच्छी बात है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मार्क्स आपके कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपने ज्ञान कितना अर्जित किया उस पढ़ाई से, पूरा साल पढ़ने के बाद उसमें से किताबों में से आपने अपने दिमाग में कितना पहुंचाया, उसको लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। एजुकेशन तो होती वही है, वही जो स्कूल के बाद हमें याद तो नहीं रहता, लेकिन वो हमारे साथ जो हमने एजुकेशन का तरीका सीखा है, जीवन को जीने का तरीका सीखा है, वही हमारे साथ रहता है। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी, जैसे आपने कहा कि हमें याद तो नहीं रहता, मैं मानती हूँ कि याद तो नहीं रहता, लेकिन वो कहीं भूलता भी नहीं है। जैसे ही कोई हालात उस तरह के आते हैं, हमें फटाक से याद आता है, अरे इसका तो ये है, और वो ये कैसे याद आता है, क्योंकि वो हमें पढ़ रखा होता है, हमने उसको अच्छी तरह समझा होता है, इसलिए। तो वो एजुकेशन हमारी जिंदगी के हर कदम पे काम आती है। मैं ये कहना चाहूंगी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है तो उसके थ्रू, उसके माध्यम से मैं ये आज कहना चाहूंगी, आज मैं अपने फेवरेट पोएट को याद करना चाहूंगी, जॉन कीट्स, और वो ये कहते हैं मैम, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. कहने का मतलब कि जैसे उन्होंने इसमें नैसर्गिक सुंदरता की चर्चा की है, नैसर्गिक सुंदरता की तरह ही ये जो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान है, विद्या है, वो भी एक वस्तु है, इसका अर्जन होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये हमें एक ऐसी शरण में ले जाती है जो बहुत ही सुंदर है। ये अपार्ट फ्रॉम मार्क्स है, ये अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, और
ये इंसान को एक इंसान बनाती है और इंसान को किस तरीके से जर्नी करनी है उसको सिखाती है। शिक्षा का बेसिक पर्पस शायद मेरे ख्याल से यही है। और आज हम शिक्षिकाओं को और शिक्षकों को इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि बच्चों जीवन जीने के लिए है और जीवन को एक सही मकसद के साथ जीना है और उसको आनंदित होकर जीना है। आनंद का मतलब ये नहीं कि अगर मैं सेकंड आ गई किसी वजह से तो एक मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ और एक पिछड़ी सोच के इंसान हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान इंसान वही है जो एजुकेशन के पर्पस को अच्छी तरह समझे। नहीं जी, वाह क्या बात कह दी आपने मिनी जी। जॉन कीट्स को आपने कोट करते हुए जो बात पहुंचाई और उसके आगे जो इसको कंटिन्यू किया उसके बाद हम तो स्पीचलेस हो गए। और स्पीचलेसनेस को हम थोड़ा सा कायम रखना चाहेंगे एक ब्रेक के जरिए। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, अ प्रोग्राम ऑफ द विमन बाय द विमन फॉर द विमन। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। ये कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, महिलाओं द्वारा कार्यक्रम है और खास तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को हम साथ में लेकर के आते हैं। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा राइट टू एजुकेशन भी है, एक ऐसी एजुकेशन का ऐसा अधिकार जो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी है और यही एक सबब बना, एक वजह बना आज के इस कार्यक्रम को एक रूप में ढालकर आप पहुंचाने का। आज के कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल टाइप करके हमारा ये कार्यक्रम। हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। आप चाहें तो हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlert। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा पर चर्चा हमारी भी चल रही है लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में और उसमें भी खासतौर पर हम बात कर रहे हैं छात्रों की, शिक्षकों की, अभिभावकों की कि इनके माध्यम से या इनके लिए या इनके द्वारा बोर्ड परीक्षाएं क्या मायने रखती हैं। यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और इस पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी की अंग्रेजी की अध्यापिका मिनी लाल जी। मिनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, आपने जॉन कीट्स को जो कोट किया था वो अभी तक हमारे दिमाग में है, आगे मतलब वो निकल नहीं रहा है। और जहां आपने बात खत्म की थी वहां आपने एक चीज ये कही थी कि अगर आप किसी वजह से फर्स्ट ना आकर सेकेंड आ जाते हैं या सेकंड ना के थर्ड आ जाते हैं, दैट डजंट मीन कि आपके अंदर वो कैलिबर नहीं है, आप किसी से कम है ना, आप उतनी ही कैलिबर रखते हैं और हो सकता है कि किसी वजह से अंक किसी दूसरे के ज्यादा है लेकिन आपके अंदर उनसे ज्यादा प्रतिभा हो। लेकिन ये आपका और मेरा कहना है, हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हमारे छात्रों की क्या इस बारे में राय है, अगर आप इजाजत दें तो कुछ छात्रों की राय परीक्षा पे चर्चा के बारे में सुन ली जाए क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा नाम दीपा है, मैं मून इंटरनेशनल स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रोग्राम है मन की बात वो हमेशा ही सुनती हूँ, बल्कि उससे मुझे बहुत मदद मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। परीक्षा के लिए जो टिप्पणियाँ उनकी होती हैं बहुत ही अच्छी हैं। हर बच्चे के अंदर वो जो बातें आती हैं उससे परीक्षा के लिए डर नहीं होता, परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनका कहना ये है कि परीक्षा को कोई बोझ मत समझो, ये परीक्षा के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। ये प्रधानमंत्री जी का जो परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम है इसके तहत हम लोग मोटिवेट हुए हैं, साथ साथ हमारे पेरेंट्स और टीचर भी मोटिवेट हुए हैं। परीक्षा पर चर्चा से हमें यह सीख मिलती है कि गैर जरूरी चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें अंदर की जो बातें हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसे हमें बाहर की ओर उजागर करना। जब प्रधानमंत्री ऐसी बात कहते हैं तो हर एक व्यक्ति पे असर पड़ता है, बहुत मदद होती है उनकी टिप्स से, इससे बहुत फायदा होता है। और इस बार 20 जैन दोबारा होने वाला है, वो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और नई नई बातें बताएंगे जिसके लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
तो ये कुछ भावनाएं थी, ये कुछ सोच थी, ये कुछ राय थी हमारे स्टूडेंट्स की मिनी जी, इस परीक्षाओं के बारे में, साथ साथ पीएम के बारे में भी कि प्रधानमंत्री अगर ऐसा कहते हैं, अगर एक बात मैं मानती हूँ तो प्रधानमंत्री के इस जेस्चर से, इस कदम से इतना मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, जब एक शिक्षिका अगर कुछ कहेंगी तो कितना ज्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये कदम बच्चों से बातें करना एक बहुत बहुत ही सराहनीय एफर्ट है उनकी तरफ से। शायद वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी। लेकिन यस, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक ट्राइपोलर एक्टिविटी है, यानी एक त्रिभुज की तरह है। त्रिभुज में सबसे इम्पोर्टेंट ये छात्र है और छात्राएं हैं, यानी कि स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद हमारे अभिभावक, हालांकि उसके बाद हम शिक्षक और शिक्षिका आते हैं, लेकिन यस, अभिभावकों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अभिभावकों को आज इस स्टेज पर ये समझने की जरूरत है कि उन्हें अपने बच्चों को मोस्ट यूनिक और मोस्ट स्पेशल समझने की जरूरत है। अभिभावकों की सोच के बारे में और अभिभावकों के बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। अभी पहले हम स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यस, स्टूडेंट्स जो हैं इस मोड़ पर आके काफी घबरा से जाते हैं। देखिए, मैं एक शिक्षिका होने के नाते जानती हूँ कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट वैरायटी है। कुछ स्टूडेंट्स हम देखते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उन्हें पता है कि यस, उन्हें एक गोल अचीव करना है, वो एकेडमिक्स में एक गोल अचीव करना चाहते हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो बहुत ओरिएंटेड से दिखते हैं हमें स्कूल के अंदर। लेकिन एक दूसरे तरीके के भी लोग होते हैं जो इतने ज्यादा केयरफुल नहीं होते, वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जहां तक इन एवरेज स्टूडेंट्स का सवाल आता है, ये जो सीजन शुरू होता है उनकी धड़कनें शुरू हो जाती है, सही बात है, तभी वो शायद जागते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि उन्हें घबराने की ऐसी कोई खासी जरूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो इस गिवन टाइम में भी दे कैन मेक वंडरफुल चेंजेस इन देमसेल्व्स एंड दे कैन कम टू द एक्सपेक्टेशंस विच पेरेंट्स विच टीचर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। जी जी, राइट जी। तो मैं यहाँ पे कुछ, अगर आप इजाजत दें, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी इजाजत है, कार्यक्रम आपका है, कुछ टिप्स देना चाहूंगी जी इस मोड पे आके कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी नईम जी कि ये जो पढ़ाई के आवर शुरू हो गए, इसके लिए वो एक अपना स्टडी स्पेस फिक्स कर लें घर में। वो फिक्स नहीं होना चाहिए, फिक्स मतलब ये नहीं कि टेबल और चेयर होनी जरूरी है। उन्हें जहां कहीं भी अच्छा लगता है वो बैठ जाएं, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करें। कभी चाहें तो वो बालकनी में, कभी वो चाहें अपने बेड पे, या कभी चाहें तो अपने स्टडी टेबल पे। तो एक फिक्स करें स्टडी स्पेस को, जहां जहां उनका दिल करता है वहां अपनी तमाम किताबें और कॉपीज रख के अपना पढ़ाई करने का अंदाज शुरू करें। ठीक है जी। और रिवीजन करते समय ऐसा हर टीचर बताती है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, और अपने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाइए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। जी जी। टू प्रैक्टिस बाय राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमने लिखा नहीं तो हमने सीखा नहीं, ये भी होता है। लिखने से हमें बहुत बार अपनी जो भी गलतियां होती हैं वो ज्यादा पता चलती हैं। बहुत बार बच्चे ये कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं नहीं, ये आंसर ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, मुझे तो आता है मैम, आप तो यूं ही, बेशक हमें हर समय डांटना है आपको, इसलिए आप डांटती हैं, ऐसा होता नहीं है। जी जी जी। अगर हम लिख के प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस जाती है। और बाजार जो है वो फ्लडेड है मैम आजकल सैंपल पेपर से। अपनी टीचर्स के गाइडेंस में बच्चे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे सैंपल पेपर्स निकाल सकते हैं, सैंपल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ये एब्सोल्युटली। और स्पेशली मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो एग्जामिनेशन के, पुराने एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स, 10 ईयर पेपर्स, यस, काइंड ऑफ 10 ईयर्स और 5 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज पैटर्न्स कीप चेंजिंग। इस बार भी बहुत कुछ चेंज हुआ है सब्जेक्ट्स को लेकर, सीबीएसई ने काफी सारी चेंजेस इंट्रोड्यूस की हैं बच्चों के लिए एग्जाम को एक टेंशन फ्री माहौल देने के लिए। तो उन्हें उन सब पेपर्स को भी निकाल के देखना चाहिए, अच्छा खासा उन्हें एक अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। जी जी। और एक बात और मैं बच्चों को अपने कहना चाहूंगी कि जब भी वो आंसर्स को डिस्कस करना चाहें अपने फैमिली मेंबर्स से और अपने फ्रेंड्स जो काफी ओरिएंटेड हैं उनसे डिस्कस करें, क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी, एक दोहा, विद्या धन की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम
ऐसी बातों को अपने सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे आंसर्स को तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमारे साथ होंगे और बच्चों को काफी मदद होगी कि वो इन चीजों को एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए। एंड सेकेंडली जहां मैंने कहा प्रेजेंट करने की बात, प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मम्मी कभी कभी खाना देती है नहीं जी, जी। आप ही घर पे लोगों को खाना शायद लोगों को खिलाना पसंद करती होंगी जी, बिल्कुल। और जिस दिन आप बड़े मूड में होती हैं, आप बड़े अच्छे से उसको सजा के बना के आप प्लेट में जब उस खाने को परोसती हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं और वो बड़ा एंजॉय करते हैं, कहते हैं वाह आज तो नईम तुमने बड़ी मेहनत की है, ठीक है जी। तो जस्ट लाइक दैट वी एग्जामिनर्स ऑल्सो, जैसे ही हम लोग देखते हैं अपने सामने एक आंसर शीट, आंसर शीट में जब हम देखते हैं कि वाओ व्हाट अ प्रेजेंटेशन, बच्चे की क्या खूब हैंडराइटिंग है, उसे लिखने का तरीका मालूम है, ये नहीं कि उसने एक साथ ही सारी चीजें लिख दी हैं, बाकायदे पैराग्राफ्स को चेंज करके अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और डायग्राम्स प्रोवाइड करके वो बच्चे क्या करते हैं, प्लेटर तैयार करते हैं कि आओ भाई एग्जामिनर देखो मेरा पेपर, और हम खुश होकर उसको मार्क्स देते चले जाते हैं। तो ये सब चीजों का स्टूडेंट्स को ख्याल रखना शायद बहुत जरूरी है। आपने स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन मतलब पेपर्स को हमारी कुकिंग के साथ जो कंपेयर किया तो उसमें मुझे एक चीज याद आई कि हमारे भी आकाशवाणी में हमारे एक गुरु जो हमें हम शुरू शुरू में जब हमने आकाशवाणी में काम करना शुरू किया था तो उन्होंने हमें एक चीज बोली थी और उसको हमने जो ऐसा गांठ बांधा वो आज तक चल रहा है। उन्होंने कहा आलू वही होते हैं बाजार में, उसको परोसने का जो तरीका होता है ना वो उसे अलग और स्पेशल बनाने का कहा था उन्होंने आपसे, है ना सही कहा था। तो चलिए ये आलुओं की और परीक्षाओं की बात हम जारी रखेंगे अपने इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट और जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर। लेट्स कनेक्ट अ प्रोग्राम ऑफ द वुमन बाय द वुमन फॉर द वुमन, करियर, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, लीगल इश्यूज, फिलोसफी, ब्यूटी, फैशन, लिटरेचर और भी बहुत कुछ, यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हर दोपहर 12:10 से 1 तक YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल और इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से। दोपहर के 12:32 हो रहे हैं। लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है जिसे आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए हिंदी के श्रोताओं के लिए ट्विटर हैंडल है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlerts। आपके साथ आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर। हमारे साथ हैं हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी में PGT अंग्रेजी की अध्यापिका मिनी लाल जी और हम बात कर रहे हैं आज परीक्षाओं के बारे में जो बस शुरू होने को ही हैं। कहीं प्री बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं, कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारियां चल रही हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स होंगे और स्कूल एग्जाम्स भी होंगे, चाहे वो 10वीं के अलावा 9वीं के और 11वीं के हों या और किसी कक्षा के हों या बोर्ड एग्जाम्स है 10वीं के और 12वीं के, तो ये सभी एग्जाम्स होंगे और ये जो एग्जामिनेशन का जो एक माहौल रहता है ये 2-3 जो होते हैं इसी के चलते 2018 से जो हमारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो शुरू हुआ है उसकी तीसरी कड़ी हमारी कल 20 को होने वाली है और इस बार इस कार्यक्रम में 2000 बच्चे शामिल होने वाले हैं जिनमें करीब 50 दिव्यांग बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। ये बच्चे जो सवाल पूछेंगे PM से वो तो कल पूछेंगे, अभी हम अपने शिक्षिका की तरफ मिनी लाल जी की तरफ वापस आते हैं और मिनी लाल जी से पूछते हैं कि मिनी लाल जी बच्चों के बारे में आपने काफी सारी चीजें बताई कि बच्चों को कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, परीक्षाओं की तैयारियां कैसी करनी है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बच्चे जो ये परीक्षाओं तक पहुंचते हैं जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स की वजह से
पे कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो आपका दर्जा, शिक्षकों का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर रखा गया है, लेकिन ये जो भगवान है, शिक्षा के जो भगवान है, इनके लिए भी आपके पास कुछ टिप्स होंगी, क्योंकि आप खुद शिक्षिका हैं तो आप अच्छे से समझती होंगी, इसी तरह से आपको पता होगा कि शिक्षकों को किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के सामने, और क्या उनको टिप्स देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि नईम जी मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा है, हम पब्लिक स्कूल्स टीचर्स स्पेशली मैं आपको बताऊं, वो अपने बच्चों को के रिजल्ट को लेके काफी चिंता में भी रहती हैं एट टाइम्स, क्योंकि उन्हें चाहिए परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस यहाँ पे अक्सर आपको पता है जिंदगी का परफॉर्मेंस नहीं बल्कि मार्क्स का परफॉर्मेंस, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स दे आर गेटिंग, ये बहुत बड़ी चिंता होती है शिक्षक गणों की भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली शिक्षिका और शिक्षक का भी नाम होता है। तो लेकिन बात यहाँ पे समझने की ये है कि शिक्षकों को भी एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। बहुत से शिक्षक सिर्फ समझते हैं कि उनका ही सब्जेक्ट, मैं बहुत ही खुले तौर पे बोलूंगी कि हमारा ही सब्जेक्ट जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये मानती हूँ कि प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चों को एक ये नसीहत देना, एक ये सिखाना कि नो, यू हैव टू मेक अ बैलेंस among all the subjects, that is very important. Very important. Why? Because अगर बच्चा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में परफॉर्म करने में लगा हुआ है तो obviously बेचारे के बाकी सब्जेक्ट पिछड़ जाएंगे। So teachers need to focus on this fact that every subject has its own importance, and सबको इसीलिए उन्हें क्या गाइडेंस देनी चाहिए, गाइडेंस उनकी ये होनी अब इस मोड़ पे जब एग्जाम्स का सीजन शुरू हो चुका है कि बेटे आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट को जगह देनी है। जब हम हर सब्जेक्ट को जगह देंगे ढंग से और तभी हम चीजों को रिवाइज कर सकेंगे और तभी हम चीजों को रिटेन कर सकेंगे ढंग से और तभी हम एग्जाम के दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जी आप मिनीलाल जी, आप जो बात बता रही हैं बहुत अच्छी बात है, शिक्षिका होने के नाते आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन कुछ और शिक्षकों की भी राय इसके अंदर अगर हम शामिल कर ले, ऑल ओवर इंडिया हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो आकाशवाणी के माध्यम से अपनी आवाज इस विषय पर पहुंचा चुके हैं, उनमें से दो एक से की बात सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं परीक्षाओं के बारे में। बिल्कुल, इट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर द स्टूडेंट टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर एंड नो अबाउट हिज लाइफ एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट टू रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ द एग्जाम। इट इज वेरी मच हेल्पफुल एंड इंस्पिरेशनल फॉर स्टूडेंट। A huge expectation from the parents, which I can call it as unrealistic expectation. Everybody wants the students to get centum and first mark. That's why they are prone into much fear and tension. And thanks to our Honorable Prime Minister, Sri Modi ji, that he himself have thought about the students of this country, the students, how they are suffering. And he has come down to their level and to launch this program, Pariksha Pe Charcha. तो मोर और लेस एक ही तरह की बातें हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं अपने बच्चों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो इसलिए उनकी भी सोच ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। बिल्कुल सही बात है, और परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही अच्छा विषय रहा है हमारे देश में जब से ये शुरू हुआ है। जी। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अपनी जितनी भी शिक्षिकाएं हैं अक्रॉस द कंट्री और शिक्षक हैं, कि इस मोड़ पे अगर वो अपने स्टूडेंट्स को, जबकि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अब हमारे हाथ से निकल चुके हैं, दे आर नॉट इन आर टच, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जामिनीज, राइट, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी टीचर्स ऐसा करती भी हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, जो उनके सेक्शंस के बच्चे होते हैं, उनके साथ एक ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं, और वहाँ पे वो उनको बहुत सारी एडवाइजरी इश्यू करती हैं। अरे वाह। लेकिन लेकिन उनके लिए एक ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को एनकरेज ना करें कि वो कभी भी मोबाइल फोन उठा करके और वो चेक करने लगे मैडम के मैसेजेस। उन्हें करना ये चाहिए कि जैसे ये ग्रुप फॉर्म किया तो उन्हें एक समय नियत कर दो, या तो दोपहर में या तो इवनिंग में। इवनिंग टाइम अच्छा बेहतर टाइम है, उस समय बच्चों को कुछ रिलैक्स भी होना चाहिए, और एक
टाइम जब फिक्स्ड होता है तो बच्चों को भी पता होता है, टीचर्स को भी पता होता है कि इसी टाइम हमें चैट करनी है, तो उसका वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। बिल्कुल, और टीचर्स अक्सर शाम को ही फ्री हो पाती हैं। जी जी, स्कूल के काम भी बहुत सारे होते हैं, जाहिर है। तो उस समय वो उस टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकती हैं। कुछ बच्चों को सच में नईम जी बहुत परेशानी होती है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सफर करना शुरू कर देते हैं इस मुकाम पे पहुंच के। तो एक टीचर जितना अच्छा शायद असिस्ट और गाइड कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि इतना एक अभिभावक भी कर पाता होगा। बच्चे जो हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो हमारी बातों को बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं और ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसी भी घर में किसी भी बच्चे को देख लीजिए या अपने आप को देख लीजिए कि जो हमारी टीचर ने कहा वही सही है, और पेरेंट्स को या घर वालों को कहते हैं नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, चाहे भले ही टीचर ने गलत बताया हो। बिल्कुल, आपकी बात है ना, शत प्रतिशत सही है नईम जी। और इसी वजह से हमारा जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझनी चाहिए। उस ग्रुप पे हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी भेजने चाहिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के। दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली, यस, टेक्नोलॉजी कम्स इनटू प्ले, और ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है बच्चों से बात करने का, और बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके सोल्यूशंस देने का, उनको बताने का, और उनको कुछ भी बताने का। इवन एग्जाम के वन डे बिफोर भी हम कभी कभी ऐसे कुछ उनको अपने हिसाब से गेस करके क्वेश्चंस देते हैं, दूसरे दिन एग्जाम में वही आ जाते हैं। इसीलिए शायद बच्चों को अपने टीचर्स पर इतना ज्यादा एतमाद होता है। चलिए, ये चर्चा जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, महिलाओं का महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल टाइप करके। हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए हिंदी के श्रोता newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोता newsonair.com/urdu टाइप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और अगर हमें ट्विटर पर आप फॉलो करना चाहें तो हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlerts। आपके साथ आज के कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर और आज हम बात कर रहे हैं छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बोर्ड परीक्षा के बारे में चर्चा करके। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी की अंग्रेजी की अध्यापिका मिनी लाल जी। मिनी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अच्छा, हम परीक्षा पे चर्चा शुरुआत से 12:10 से लेकर अब तक कर रहे हैं, जब 12:42 हो चुके हैं। इस बीच पे हमने जनरल डिस्कशन भी की, स्टूडेंट्स के बारे में बात की, टीचर्स के बारे में बात की, लेकिन बार बार हर डिस्कशन में आपकी जबान से अभिभावकों के बारे में काफी सारी चीजें निकली हैं। Yes. है ना, तो हम चाहेंगे अब अभिभावकों को भी एक थोड़ा सा उनके लिए why not। देखिए, अभिभावकों से तो हम अक्सर ही मिला करते हैं जी। ये जो पीटीएम नाम की चीज है, हम अक्सर मिलते हैं और तरह तरह के जितने छात्र हैं जिस कैटेगरी के, उसी तरीके के हम देखते हैं कि अभिभावक भी बहुत अलग अलग ढंग से सोचने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या कुछ चल रहा है उनके बच्चों की जिंदगी में। जी जी। लेकिन ये देखा गया है अक्सर, और हम देखते हैं स्कूल में भी, कि अभिभावक भी जो है नईम जी, वो काफी टेंशन में आ जाते हैं एट टाइम्स, कि मेरे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन हाउस एग्जाम्स में, और इसका अब तो क्या होगा, अब तो बस वो जीने मरने का सवाल बना लेते हैं उसको। मरने का सवाल बना लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। सही बात। और अनड्यू प्रेशर खुद तो लेते ही हैं और बच्चों को भी देते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल अ हेल्दी ट्रेंड टू कंटिन्यू। और शायद यही वजह है कि सुसाइडल टेंडेंसी भी। आपकी बात बिल्कुल सच है ना? और इसी कारण से तो आज हम इतना ज्यादा देखे, हमारे टाइम पे जब हम पढ़े हुए तो हमारे टाइम पे ना तो इतनी पीटीएम होती थी और ना ही इन सब्जेक्ट्स को रेडियो पे इतना एड्रेस किया जाता था या टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता था। आज का माहौल एक बहुत ही डिफरेंट माहौल है। बिल्कुल, एकदम जिंदगी जैसे बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। प्रेशर कुकर की तरह हर चीज बॉइल हो रही है। सही में। बिल्कुल। तो हुआ यूं है कि अभिभावक
और बच्चे दोनों ही इस चक्की में पिस रहे हैं। तो अभिभावकों को पहले, मैंने आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि बहुत बार अभिभावक जो हैं वो 45 से 50 की उम्र की अवस्था में होते हैं नहीं जी, और होता यूं है कि वो खुद ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऑफन इट हैपेंस, इट इज अ वेरी कॉमन अकरेंस, और हमें आज इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। तो जरूरत यह है कि हम अनरियलिस्टिक गोल्स अपने बच्चों के लिए ना सेट करें। ये नहीं कि अपने बच्चे को समझे कि जो क्लास का टॉपर है, मेरा बच्चा 40% जो अभी तक लेता रहा है शायद इन हाउस एग्जाम्स में या फेल होता रहा है, तो वो अचानक क्लास की टॉपर और क्लास का टॉपर अमित जो है उसके बराबर के अंक लेने लग जाए। सही बात है। तो अनरियलिस्टिक गोल हम सेट ना करें। और हर बच्चे की, हर बड़े की तरह हर बच्चे की भी अपनी स्ट्रेंथ होती हैं और अपनी वीकनेसेस होती हैं। बिल्कुल, और उन्हीं स्ट्रेंथ्स को पहचानने की जरूरत है। उसी को एनकरेज कीजिए और उसी में बच्चे को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन शायद हम जब एग्जाम्स आने लग जाते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं। एग्जाम का प्रेशर है ना, बोर्ड एग्जाम सब भुला देते हैं। हमारे देश में सब कुछ हम भूल जाते हैं। यहाँ तक होता है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, मदर्स स्पेशली आपको पता होना चाहिए, वो छुट्टियां तक ले लेती हैं, दो दो तीन तीन महीने की। आई वुड नॉट से इट इज अ वेरी अनहेल्दी ट्रेंड, लेकिन वो इतना वो दिखता है कि उन पे कितना प्रेशर है कि उन्होंने छुट्टी ली है बकायदा अपने बच्चे को सपोर्ट के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सभी तो नहीं कर सकते। मुझे यहाँ एक चीज याद आ रही है, बहुत काफी पहले मैंने रेडियो पर ही इस चीज को शेयर किया था, आज क्योंकि बहुत रिलेवेंट है तो मुझे याद आ रहा था, मैं जरूर उसको शामिल करना चाहूंगी कि एक बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में एवरेज था, उसको म्यूजिक का बहुत शौक था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, और उन्होंने उसको बहुत प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि बच्चे ने म्यूजिक छोड़ा, अल्टीमेटली वो मेडिकल लाइन में गया, डॉक्टर बना, फिर उसने क्लिनिक भी खोला और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ, खूब पैसा कमाया, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं चलता रहा कि वो एक म्यूजिक में कहीं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन भूला नहीं था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि पेरेंट्स की ख्वाहिशों की बलि उसकी ख्वाहिश चढ़ गई। लेकिन जब उसकी खुद की शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, तो बिना बच्चे की ख्वाहिश जाने कुछ किए उसने बच्चे को म्यूजिक के फील्ड में भेज दिया। वो भूल गए कि जो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया था वही अपने बच्चे के साथ वो कर रहा है। तो मतलब हम अपनी ख्वाहिशात जो है वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं बिना ये जाने कि बच्चा क्या चाहता है। हाँ बिल्कुल, आपकी ये बिल्कुल सही बात है। और ये एक हम अभिभावकों का ये सोचना कि हमने जो नहीं किया वो हमारा बच्चा करे। हाँ, हमारे ख्वाब पूरे करेगा। भाई ख्वाब पूरे क्यों करेगा, वो उसको अपने ख्वाब पूरे करने दो ना। बिल्कुल, ये सच बात है आपकी और मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक रखती हूँ। हाँ, और मैं इस मामले में खुद को हम लकी मानते हैं कि हम जिस दौर में पैदा हुए कि हमसे ये कहा जाता था पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ना लिखना है, लेकिन हमारे पीछे डंडा लेके हर वक्त नहीं बैठा जाता था कि पढ़ाओ, पढ़ना है और आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इतने मार्क्स आने हैं और ये बनना है आपको। तो आज ऐसा नहीं कि हम सोसाइटी में कहीं इतने पिछड़े हुए हैं, हमने भी जिंदगी में कुछ तो किया ही है। बिल्कुल, और हम कहीं तो स्टैंड कर रहे हैं, पहुंचे हैं जी। तो हमें ये हमारा ये सोचना कि हमारा बच्चा कहीं नहीं पहुंच पाएगा सबसे बड़ी भूल है। सही बात है। तो पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करना चाहिए, बल्कि इस समय बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक सोच, और उसी को पूरे घर के अंदर इसको एक माहौल बनने देना चाहिए। Actually. और बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि अभिभावक जो हैं उनके साथ हर कदम पे साथ हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो चीज बच्चों को नहीं रियलाइज करवाई जाती है, उनको सिर्फ ये कहा जाता है मार्क्स अच्छे नहीं है, देखो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और अगर इतने परसेंट मार्क्स आए या क्लास में ये पोजीशन आई तो हम आपको ये इनाम देंगे वो इनाम देंगे। यस, यू आर वेरी मच राइट, है ना। अब मैं इनाम से आपने जो जी जो बात की है जी जी इनाम की जो बात की है मैं आपको एक बात कहूँ कि इनाम की जहाँ तक बात है जी, तो इनाम देने चाहिए बच्चों को नहीं जी, जी अच्छी बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे सेट करते हैं गोल कि अरे सुन, अगर तेरा एग्जाम हो गया ना और तू बहुत अच्छे मार्क्स लाया, इतने परसेंट मार्क्स लाया, तो मैं तुम्हें ये दूंगा, बहुत बड़ी सी गाड़ी दे दूंगा, या बहुत तुम्हारा जो डिजायर्ड मोबाइल फोन है वो दे दूंगा। ये करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें मिनी रिवॉर्ड्स रखने चाहिए इन दिनों पे। मिनी रिवॉर्ड्स कहने का मतलब है छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, कि जैसे एग्जाम की तैयारी में बच्चा लगा है और उसको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है, तो वो उसके
के लिए मंगवा दिया। हाँ। कभी उसको कहा कि बेटे चलो मूवी देखाते हैं। हाँ। कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही मैं बात याद है। करती हूँ बिल्कुल मैं याद करती हूँ मेरे समय में मेरी मदर मुझे खुद ही हाँ। ले जाया करती थी। जैसे ही 5-6 दिनों का बीच में अंतराल आया एग्जाम्स के, 2 एग्जाम्स के, आप विश्वास नहीं करेंगी मैं उन दिनों पे अपनी मदर के साथ मूवीज देखने जाया करती थी। तो वो एनर्जी मतलब आप रिचार्ज हो जाते हैं ना, इस तरह की आप रिचार्ज हो जाते हैं इन बातों से, और दैट गिव्स यू अ बूस्ट इन लाइफ। तो पेरेंट्स को चाहिए कि स्ट्रेस लेवल को जितना हो सके कम करें और बच्चों को मिनी रिवॉर्ड्स दें। ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों का लालच दें। बड़ी बड़ी चीजों का जो हम लालच देते हैं एक ना एक दिन बच्चा खुद ही उसको हासिल कर लेता बिल्कुल। है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुसीबत नहीं आ रही है कि अगर आपने आज उसको गाड़ी नहीं दी तो कल वो गाड़ी अपने आप खरीद नहीं सकता है। बिल्कुल है क्या? बिल्कुल। और दुनिया यही खत्म नहीं होती है, जिंदगी यही खत्म नहीं होती है, मतलब ऐसा कोई जलजला नहीं आ जाएगा कि अगर आपके बच्चे ने उतने परसेंट मार्क्स नहीं ले लिए जितने परसेंट की आप उम्मीद लगा के बैठे। बिल्कुल आपकी बात सही है। और बच्चों को बल्कि एनकरेज करें कि भाई जब तुम्हें मन करे थोड़ा तो पढ़ाई को जस्ट स्टॉप करो, म्यूजिक सुनो बेटा। हाँ। अगर उसको म्यूजिक सुनना पसंद म्यूजिक है, सुनो, सो जाओ दोस्तों से बात कर लो, थोड़ा सा घूम आओ, खेल लो। कहा सो जाओ, मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी। इन दिनों में क्या होता है नईम जी कि आज की जो जनरेशन है वो अक्सर मैंने देखा है रात में पढ़ाई करने में विश्वास रखती है। ओके, हमारे जमाने में हम लोग सुबह थे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock और हमारे पेरेंट्स हमें उठा दिया करते थे। एंड आई रिमेम्बर कि वो जो अर्ली आवर्स होते हैं वो बड़े प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। एक तो चारों तरफ शांति भी होती है और आपके पूरे हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं क्योंकि आपने एक साउंड स्लीप ली है। राइट। और आप जो काम सुबह करते हैं वो आप रात में शायद इतना नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि मैं बच्चों को बोलूंगी नहीं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको रात में कंफर्टेबल है तो रात में ही पढ़िए, रात में ही पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विद शॉर्ट नैप्स ऑल्सो, हाँ, कभी कभी बीच में अपने को रिलैक्स करें। नींद बहुत जरूरी है। और साथ ही मैं एक चीज और कहूंगी कि जहाँ आपको लगता है सुबह दोपहर शाम जो वक्त सबसे ज्यादा लगता है वो उस तरह पढ़िए, आपको लगता है कि एक जगह बैठ के अच्छा पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़िए, घूम घूम के पढ़ना पसंद है तो घूम के पढ़िए, अगर आपको लगता है कि दिल में पढ़ करके आपको ज्यादा अच्छा से याद हो सकता है तो वैसे पढ़िए, और जोर जोर से बोल के याद हो सकता है तो वैसे पढ़िए। इट्स एंटायरली अप टू यू कि आपको किस तरह से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। बिल्कुल आपकी बात जायज है जी। तो ये सारी चर्चा हमारी आज चल रही है बच्चों के एग्जाम के बारे में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट, और इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, अ प्रोग्राम ऑफ द विमन बाय द विमन फॉर द विमन। लेट्स कनेक्ट ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हिंदी के श्रोता newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोता newsonair.com/urdu टाइप करके, और हमारा ट्विटर हैंडल हिंदी के श्रोताओं के लिए है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlerts। आपके साथ आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर, और आज हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं के बारे में, वो परीक्षाएं जो बस बच्चों के सिर पर एकदम सवार ही है, बिल्कुल आने को है, और इन परीक्षाओं के बारे में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताने के लिए हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहिणी की अंग्रेजी की अध्यापिका मिनी लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मिनी जी, काफी सारी बातें आपने बताई हैं, इसमें एक चीज मुझे और याद आ रही है क्योंकि परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम कल है 20 जनवरी को। हाँ। ये इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की लिखी एक बुक भी है ना, एग्जाम वॉरियर्स, तो हम उसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें, और सिर्फ इसी बुक के बारे में क्यों, और भी कुछ बुक्स के बारे में बात की जा सकती है? हाँ बिल्कुल बात की जा सकती है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये बुक है, ये बुक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है बहुत सारे छात्रों के लिए जो इस समय एक स्पेशल स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे होते हैं। जी जी। मैं तो बल्कि अभिभावकों को ये कहना चाहूंगी कि उनके स्टडी टेबल के साथ कुछ इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बुक्स रखें, ठीक है, उसमें से ये एक बुक हो सकती है प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी हुई, दैट इज एग्जाम वॉरियर्स। बीच बीच में कभी स्टूडेंट का मन ना करे पढ़ने का, मन ऊब सा रहा हो, तो उसकी एक दो लाइन्स निकाल के पढ़ें, उसके एक दो पेजेस को
पलट के देखें पन्नों को और उनमें शायद वो बातें लिखी हुई हैं जो उनके लिए इस मकाम पे बहुत जरूरी है। जी जी, तो आपने पढ़ी है क्या ये बुक? नहीं, अभी नहीं पढ़ी। सेम वे, शायद हाँ, शायद हम उससे आजाद हो गए ना कि हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं तो हम थोड़े से लापरवाह हो गए हैं, लेकिन पढ़ने का इरादा। लेकिन ये बुक हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए। जी, बिल्कुल। ऐसी तमाम हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए जो हमें एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मदद कर सकती हैं। और ये जो बुक है प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी हुई स्पेशली, उसमें ये इट इज नॉट ओनली फॉर एसिंग योर एग्जाम बट फेसिंग योर लाइफ। हाँ, ये सारे रिव्यूज में तमाम आप निकाल के देखे। हाँ, यही लिखा है कि भाई ये किताब जो है एक बहुत स्पेशल किताब है और ये हमें केवल एग्जाम्स को किस तरीके से फेस करना है एक योद्धा की तरह, बल्कि जिंदगी को कैसे जीना है वो भी इसमें प्रधानमंत्री जी ने बखूबी बताया हुआ है। तो ऐसी कोई किताब भी जरूर अभिभावकों को रखनी चाहिए, वो कोई भी किताब हो सकती है जिससे उनके बच्चों को अच्छा खासा इस स्टेज पे मदद मिल सके। जी जी। और जहाँ तक बात है फिर से अभिभावकों की या शिक्षकों की या छात्रगणों की, क्योंकि सभी के बारे में हमने बात करी है और यही सबसे ज्यादा तीन कंपोनेंट्स जो हैं ये सबसे ज्यादा परीक्षा को लेकर के इम्पोर्टेंट हैं, तो हम हालांकि हमने तीनों के बारे में बात की है, लेकिन अगर हम एक्यूमुलेटिव बात करें, एक साथ ही तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख करके अगर हम बात करें, तो तीनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या राय रहेगी? खासतौर पर हम कहेंगे कि जो हमारी छात्राएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप जरा ज्यादा सलाह दें, क्योंकि छात्रों का और छात्राओं का दोनों का ही भविष्य परीक्षाओं पर होता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन छात्राएं अगर यहां तक पहुंच पाती हैं 10वीं 12वीं तक तो ये उनका लिए सौभाग्य है, क्योंकि हमारे देश में अब भी बहुत बड़े पैमाने पर लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। बिल्कुल, ये सही बात है ना। तो लड़कियां यहां तक पहुंची हैं तो लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को, खासतौर पर माओं को या फिर शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को आप क्या यहां पर कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सही बात है। और जैसा किसी ने कहा है नईम जी कि जब एक लड़की एजुकेटेड होती है, शिक्षित होती है, तो ना केवल एक परिवार बल्कि एक पूरा समाज विकसित होता है, पूरा देश उन्नति के मार्ग पे चल पड़ता है। और आज इसीलिए शायद हिंदुस्तान की एक दूसरी छवि बदली हुई नजर आती है हमें। ये ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि हम अपनी बच्चियों को बहुत आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात ये भी सही है कि हिंदुस्तान जो है वो केवल सिर्फ मेट्रोपॉलिटन का शहर नहीं है, ये नूक्स एंड क्रैनीज में बसता है। और आज भी ऐसे कितने कस्बे हैं, कितने इलाके हैं जहां लड़कियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, एक चीज और कि लड़कियों की शिक्षाओं पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता था एक जमाने में, फिर धीरे धीरे जब लड़कियों ने पढ़ाई में आना शुरू किया आगे, तो ये वो लड़कियां ही हैं जिन्होंने लड़कों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है, तो अपने आप को साबित कर दिया। सही है, है ना, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो ज्यादा कमिटेड है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। उनको मौका तो दीजिए, कम से कम मौका ही नहीं मिलता था, अब मौका मिलना शुरू किया है तो वो अपने आप को प्रूव भी कर पा रही है। बिल्कुल, है ना। इन बच्चियों को सिर्फ एक विंग्स देने की जरूरत है, उड़ना तो ये खुद ही सीख लेंगे। सही बात है, उनके पर कतरिए मत लगे रहने दीजिए, पर मत कतरिए और उन्हें उड़ने दीजिए। आज इस प्लेटफॉर्म से हम यही कहना चाहेंगे तमाम लोगों को। और अब चूंकि ये एग्जाम का सीजन बिगिन हो चुका है, तो हमें सबको बैलेंस फाइंड आउट करने की जरूरत है, चाहे वो शिक्षकगण हो या वो हमारे छात्र जो एकदम इसका सबसे फोकल पॉइंट है, और हमारे अभिभावक। अभिभावक अपनी सपोर्ट से चाहे तो बच्चे को कुछ भी अचीव करवा सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और शिक्षक भी चाहे तो अपनी सही दिशा जो उन्होंने उनको दिखाई है जब से वो स्कूल में आए हैं, उस पे ही रहने को प्रोत्साहित करते रहें। सो प्रोत्साहन एक ऐसा वर्ड है जो मैं बोलना चाहूंगी कि प्रोत्साहन से बढ़िया कोई शब्द नहीं है दुनिया में। तो हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि देश एक ऐसे बच्चों का देश बने, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है अगर हम ये कहते हैं। तो ये बिल्कुल शत प्रतिशत अतिशयोक्ति नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। देयर इज नो हाइपरबोली इन इट एंड वी हैव टू गाइड देम in such a way that they come out as beautiful, blossoming as a beautiful flower. Wow. This is what I would say. And बच्चों को बस हम इसी तरीके से अपने सानिध्य में रखें। देश की सरकार भी इस तरफ अग्रसर है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। और हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक ऐसा आसमान दें,
एक ऐसा चित्र जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो। सही बात है, बहुत अच्छा। आपसे मिलकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा जी, मुझे भी, हमारे सब श्रोताओं को भी आपसे मिलकर आपकी बातें सुनकर यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। और हमें इस बात का भी यकीन है कि सभी श्रोताओं को बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि घर घर में एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं और उससे जूझने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच नईम जी, थैंक यू सो मच। जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटो पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दिस इज फॉर ऑल द चिल्ड्रन जी, अभी इजाजत दीजिए। लेट्स कनेक्ट, महिलाओं का महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम, अंतरिक्ष से खेलों की दुनिया तक, दार्शनिकता से फिल्मी चमक दमक तक, मानव सेवा से मानव रक्षा तक, खास से आम महिला तक, और भी बहुत कुछ, यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, हर दोपहर 12:10 से 1 तक YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल। इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से।